मुट्ठी भर माटी के जैसा, चुटकी भर बीजों के जैसा, मुट्ठी भर माटी के जैसा, चुटकी भर बीजों के जैसा, आँखों भर हरियाली जैसा, छाती भर खुशहाली जैसा, प्रेम हमारे इस जीवन में भावों का बहता झरना है, इसमें ही जीना मरना है, इसमें ही जीना मरना है, इसमें ही जीना मरना है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से, मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। तो लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। और आज के वीडियो का विषय है कि अक्टूबर महीने में कर लें कुछ खास काम, कर लें कुछ तैयारियां जो कि बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, अक्टूबर शुरू हो गया है और सितंबर में मैंने एक वीडियो बनाया था कि इन बीजों की बुआई कर दें, और उम्मीद है कि आप लोगों ने बीज बो दिए होंगे। और अगर आप रह गए हैं बीज बोने से, तो आप अभी समय है, अभी आप डाल सकते हैं बीज। मैंने क्या क्या बोया था, कब कब बोया था और कितना निकल आया है, कितना भी नहीं निकला है, मैं सब आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मेरी ये एक पौध है, ये गोभी की पौध है जो अब हो गई 20 दिन की हो गई। इसके अलावा एक और पौध है जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसमें जो दूसरी पौध है ये फूलों की है, ये जेरेनियम के बीज मैंने डाले थे तो ये उगाए हैं। इसके अलावा ये दूसरी पौध है, ये मेरी 15 दिन की है, और मैंने अभी इसमें ये गोभी है, पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी और ब्रोकली, ये फूल गोभी की है, ये पत्ता गोभी और ब्रोकली की है, और ये मैंने अभी फिर डाल दिया एक और, ये बिल्कुल अंकुरित हो रही है। इसमें मैंने बैंगन डाले हैं, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं। सामने ये ट्रे रखी हैं, इनमें मैंने धनिया डाला है। मैं इनको बोते समय वीडियो नहीं बना पाई किन्हीं कारणों से, नहीं तो मैं आपको बोते हुए भी दिखाती, पर मैं फिर कभी बोऊंगी तब मैं दिखा दूंगी। इसके अलावा मैंने देखिए क्यारी में मेथी डाल दी है, 2-3 दिन हो गए, मेथी बहुत जल्दी अंकुराती है, ये देखिए अंकुर फूटने लगे हैं। तो मैं अभी आपको ऐसे ही बता देती हूँ, मैं वीडियो तो नहीं बना पाई कि मैंने इन सब चीज़ों को कैसे बोया है, मिट्टी कैसे बनाते हैं, ये तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था। और आपने अगर नहीं देखा हो तो उस वीडियो को देख लेना। तो मैं मिट्टी कैसे बनाते हैं ये मैं नहीं बताऊँगी, बाकी ये देखो क्यारी में मैंने अभी कुंदरू गिर गई है, क्यारी में मैंने इसमें पालक बोई है, पालक अभी नहीं निकली है। तो सबसे पहले मैंने मिट्टी तैयार की, चाहे कंटेनर के लिए चाहे क्यारी के लिए, और उसको मिट्टी को एकसार करके मैंने पालक के बीजों को छिड़क दिया इसके ऊपर बस। और छिड़कने से पहले मैंने इस मिट्टी के ऊपर एक मोटी लेयर, करीब 1/2 इंच की लेयर मैंने लगाई वर्मी कंपोस्ट की, और उस लेयर के ऊपर मैंने बीज छिड़का, चाहे वो मेथी का छिड़कें, चाहे धनिया का छिड़कें, चाहे फिर आप ये आपके पालक छिड़कें, जो भी डायरेक्ट उगने वाली सब्जियां हैं ना, इनके बीज आप छिड़कें, भाजियों के बीज छिड़कें, और फिर उनको कवर भी हल्की सी पतली सी लेयर वर्मी कंपोस्ट की लगा के कर दें, और उसके बाद पानी से गीला कर दें, और तब तक उस मिट्टी को नम रखें जब तक कि वो अंकुर फूट नहीं आते। जैसे कि ये देखिए ये ट्रे में अंकुर फूट रहे हैं, अभी भी मैं इसको नम ही रखती हूँ। तो जब ये अंकुर फूट रहे हों तब इसमें पानी देना बहुत कठिन होता है, अगर ज़ोर से पानी चला गया तो अंकुर टेढ़े हो जाते हैं। तो आप स्प्रे गन से हल्के हल्के हाथ से मॉइस्चर इसमें क्रिएट करें, और जब तक अंकुर नहीं फूटे थे मैंने इन ट्रेज को ढक के रखा था एक गीले कपड़े से, तो कपड़ा गीला रहा, ऊपर मिट्टी गीली रही, मॉइस्चर मेंटेन रहा, और ये अंकुर फूट गए। अब अंकुर फूट गए, अब मैं इनको ढक नहीं सकती, मुझे इनको धूप चाहिए। अब इन्हें रखें कहाँ, मिट्टी कैसे बनाएं, तो आप मेरे उस वीडियो में देख लेंगे, कैसे छिड़कें ये मैंने बता दिया। अभी इन्हें रखें कहाँ, तो देखिए अभी वैसे हमारे यहाँ तेज़ धूप है, लेकिन हमने इनको शेड में नहीं रखा,
ये है देखिए हल्की शेड है, तो क्या कहना चाहिए कि ये पार्शियल शेड है, जो छन छन के धूप आ रही है, तो इनको सनलाइट ज़रूर चाहिए प्लांट्स को ग्रो होने के लिए, नहीं तो ये पतले पतले लैगी से होके और बेकार हो जाएगी पौध। और डायरेक्ट सनलाइट में अगर इस पौध को रख देते हैं तो ये इतनी धूप झेल नहीं पाएगी, मर जाएगी। तो क्या हल्की छनी हुई धूप में अगर हम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जबकि पॉली हाउस में वो लोग टेम्परेचर मेंटेन करके बड़ा करते हैं, पर मैं तो छत पे, अगर मैं वहाँ से लाती हूँ तो ठीक है, नहीं तो मैं छत पे उगाती हूँ। और इसमें ये फ़ायदा है कि ये इसी टेम्परेचर में उगी हैं और इन्हें आगे इसी टेम्परेचर में इसी छत पर रहना है, तो वो इस वातावरण की आदी हो जाती हैं। तो जो लोग अभी तक नहीं बो पाए हैं पौध, जिनकी पौध तैयार हो गई है वो, ये अक्टूबर का समय है, अब आप पौध लगा दें। जिनकी नहीं तैयार हुई तो ये आखिरी स्लॉट है, डाल दें। और फूलों की पौध में ये करें कि अगर आप नहीं डाल पाए हों तो आप डालेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे, तो आप फूलों के पौधे रेडी मिल जाते हैं, आप रेडी भी ला सकते हो। अब इस झंझट में नहीं पड़े कि अब डालेंगे तो कब होगी। सब्जी की चल जाती है, सब्जी की आप अभी भी डाल सकते हैं तो चल जाएगा। और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए टमाटर की पौध, ये लगभग एक हफ्ते बाद टमाटर लगने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये भी मैंने ऐसे ही की थी, बोरी में मिट्टी भरी थी, एक मुट्ठी खाद डाला था, खाद के ऊपर मैंने टमाटर डाले थे और ये मैंने खाद से ही ढक दिए थे, फिर ऊपर से एक पतली सी मिट्टी की भी लेयर लगा दी थी। अब ये टमाटर तैयार हो रहे हैं, देखिए इस ग्रो बैग में। ये जो गोभी मेरा लगा है ये सबसे पहले इसकी डाली हुई पौध है, पहले जो सबसे जल्दी डाली हुई। तो आप हर 15 दिन में कुछ कुछ सीड डालते रहें। ये देखिए धूप है, पौधे मुरझा रहे हैं, पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं प्लांट कर चुकी हूँ क्यारी में। ये हमने एक फुट तो नहीं, हाँ 10 इंच के आसपास दूरी रखी होगी प्लांट से प्लांट की, और ये क्यारी में लगा दिए हैं। और इनके बीच में देखिए मैंने एक पतली सी लाइन डाली है, आप देखिए, आप ये मेथी की लाइन डाली है। तो ये क्या किया है मैंने, मल्टी क्रॉपिंग हो गई कि ये बीच के उसमें मेथी डली है, ये थोड़े दिन बाद निकल आएगी और जब तक ये गोभी आकार लेगा तब तक मेथी उखड़ने लायक हो जाएगी, फिर मेथी को उखाड़ के हम खा लेंगे और ये गोभी के लिए जगह बच जाएगी। तो क्या कर लें अक्टूबर महीने में, फटाफट सीड डालें और जो पौध तैयार हो गई है उसे लगा दें। थोड़े दिन में मौसम ठंडा हो जाएगा और जैसे ही मौसम ठंडा हो जाएगा तो ये ही पौधे आपकी बहुत हरी भरी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जुड़े रहिए मुझसे, मैं आपको इनका पूरा अपडेट दिखाती रहूँगी। अभी तो आपने इनको देखा, तीन इनकी स्टेज आपने देख ली, बिल्कुल छोटी, उससे बड़ी और क्यारी में शिफ्ट हुई। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही लें। नमस्कार।